काफी स्लो स्थिति पर है। जी सर, जी सर, हम जो लाखों लोगों का डाटा जो सबमिट करना है वो अभी सैकड़ों तक में तब्दील हो गया, मात्र 3-4% में अभी तक डाटा कम्प्लीट नहीं हो पाया। जी सर, वार्निंग 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 वीडियो को ध्यान से देखें कि अगर सितंबर महीने के आखिरी डेट तक आपका QR कार्ड ई श्रम कार्ड के साथ लिंक नहीं होता है तो इसका जिम्मेदारी यूनियन नहीं लेगा। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें जो कल लाइव आई गई थी, उसके बेस पर ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। कल हमारे संघ के टॉप लीडर में से एक डॉक्टर रमन सर लाइव आए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे और वो 18 तारीख को हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन जी से मिले थे और उसी के एवज में हम लाइव आए थे और लाइव के दौरान पता चला कि भारत सरकार ने हमें एक पत्र दिया है और सितंबर महीने के लास्ट तक लिंक कराने का निर्देश दिया है। इट इज़ ए ऑर्डर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देयरफॉर आई अर्ज ऑल द मुंशीज सरदार एंसिलरी एंड लेबर्स दे मस्ट टेक सीरियसली अबाउट दिस मैटर एंड लिंक देयर QR कार्ड विदाउट डिले। सभी बिना विलंब किए अपना QR कार्ड को लिंक करा लें, अन्यथा सितंबर के बाद जो भी महीना आने वाले हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस आसपास में आपका शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। और अभी कुछ जगह पे शिफ्टिंग तो नहीं, फिर भी जितने सरदार हैं, मुंशी हैं, एंसिलरी हैं, वे कैंटीन इत्यादि में अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिए हैं। इसलिए सभी लोग लिंक करा लें, रेडी रहें हमारे उस आंदोलन का तोहफा लेने के लिए जो हमें 1998 से लेकर अब तक लड़ाई करते हुए मिला है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैंने समझाने की कोशिश की है, एक वार्निंग है। जो लोग अपने QR कार्ड का लिंक समय रहते हुए नहीं करते हैं तो हो सकता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ इसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। इसलिए आप अपना बहुमूल्य समय को निकाल कर किसी तरह से अपने लीडर के माध्यम से हो या हमारे माध्यम से हो या मनोरंजन जी के माध्यम से हो या अरुण कुमार जी के माध्यम से हो या डॉक्टर रमन के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से हो, अपना लिंक करा लें। ये वार्निंग है। आगे सुने कि मैंने किस प्रकार से हमारे एक श्रमिक को समझाने की कोशिश की है। हेलो जी, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्ते सर, मैं यूपी से बोल रहा था। जी कहिए। मनीष कुमार सर, थोड़ी जानकारी लेनी थी BERMGSS के बारे में। जी, कल आप लाइव नहीं आए थे। नहीं सर, लाइव नहीं आए थे सर कल में। हाँ, फिर दोबारा हम लोग लाइव करेंगे, उसमें आ जाइएगा, ठीक है। कब? सारे जवाब मैं तो एक फोन कॉल के माध्यम से नहीं दे सकता हूँ, इसलिए लाइव में आइएगा। मैं YouTube में डाल दूंगा वीडियो। अच्छा, YouTube में जैसे डालूंगा वीडियो तो सर देख ली आपकी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा ना। सब्सक्राइब करा हुआ है, आती रहती है वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा, नोटिस जाएगा। अच्छा सर, मैं एक बात पूछ रहा था सर, मतलब कुछ गोदामों पे क्या मतलब जाने शुरू हो गए क्या? यस, आपका यूपी में ही, आसाम में, दिल्ली में, वहाँ पर जो है टाइल्स वगैरह बिछ गया है और कैंटीन वगैरह बन गया, शेड बन गया है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा वो सारा चीज बन के रेडी हो गया है। और जितने सरदार और मुंशी उस माल गोदाम के हैं वे कैंटीन का संचालन करना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ा उपलब्धि आप लोगों को हो चुका है। जिस माल गोदाम के लिए आपने आवेदन दिया है वहाँ भी कैंटीन बनेगा, जो भी है वो जैसे ही बन के तैयार होगा आप वहाँ चले जाइए, स्टार्ट करना होगा काम। अच्छा अच्छा, आपकी तरफ हो गया? हमारे तरफ अभी इंफ्रा बन रहा है, सभी माल गोदामों का ना बनेगा। हाजीपुर जोन से रिलेटेड जितने भी माल गोदाम है हमारे सबका बनेगा। हाजीपुर, हाजीपुर। अच्छा अच्छा, हम लोग हाजीपुर जोन आता है। अच्छा अच्छा, और शिफ्टिंग अक्टूबर में होगा, अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। कंफर्म है? सितंबर लास्ट तक आपको अपना लिंक करा लेना है। जिनका QR कार्ड नहीं है उन लोगों को QR कार्ड बनवा देना है। अगर आपका लीडर लिंक नहीं कर रहा है तो हमारे डॉक्टर साहब से मिलके लिंक करा लें। सर मैं बोल रहा हूँ, मतलब शिफ्टिंग कब होगी? अक्टूबर में? अक्टूबर में, यस। अरे नोटिस आ गया है वहाँ से, भारत सरकार से, श्रम मंत्रालय की ओर से, कि सितंबर लास्ट तक आपको हर हाल में जो है डाटा को जमा लिंक करवा के खत्म करिए। आदेश आ गया, ऑर्डर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, और उसका पालन सभी मजदूर सरदार मुंशी एंसिलरी को करना है, नहीं करेंगे तो फिर उसका जिम्मेदारी जो है यूनियन नहीं लेगा। खुद भुगतनी पड़ेगी, खुद भुगतनी पड़ेगी जी। ठीक है, यही न्यूज है। थैंक यू सर। थैंक यू। क्या है, क्या हाल है, क्या हुआ मीटिंग में? आज मीटिंग में क्या होगा, आपको आना चाहिए था। क्या हुआ सर जी, बहुत दूर है हम।
नहीं नहीं, अच्छा ये पहला मीटिंग था, आप लाइव आइए ठीक है, अगला भी करेंगे, लगातार करते रहेंगे ताकि किसी तरह का इन्फॉर्मेशन जो मुझे देना चाहिए, अच्छा ये होगा कि हमारे टॉप लीडर्स में से कोई एक आके सूचना को दें। तो ये अच्छा कदम था, लोगों ने सराहा, लोगों ने सारे सवालों के जवाब आए, डेढ़ घंटा के लगभग हुआ, 200 से 500 लोग मीटिंग में थे, 1000 भी था, मुझे मैं ध्यान नहीं, नहीं आते सर, लेकिन सर हम बहुत दूर हैं प्रतापगढ़ है, हमारा मीटिंग कहाँ थी सर जी? मीटिंग ऑनलाइन था, आपके मोबाइल में लाइव दिखा रहा था, लगा तो रहा था सर आपको, लेकिन बिजी बता रहा था। नहीं ऐसे करिएगा, टेलीग्राम को डाउनलोड करके रखिए। अच्छा सर, और मेरे टेलीग्राम चैनल को मैं टेलीग्राम पे मैं फोन कर रहा था, ठीक है मैं नहीं उठा पाया, बिजी था जी, हाँ बिजी था। सभी लोग टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम को डाउनलोड करके उसमें अकाउंट बना लेंगे और BRMGSS News 24 में जुड़ जाएंगे जी, और आने वाले समय में बार बार लाइव मीटिंग होगा, ठीक है। आज तो डेढ़ घंटा हो गया, लंबा हो गया, काफी लोगों का सवाल मैं नहीं ले पाया, ज्यादा मीटिंग लंबा होने से भी बोरिंग लगता है, तो अगला मीटिंग में जो लोग छूट गए हैं वो सभी सवाल पूछेंगे जी, तो अगली बार पूछेंगे हम जी। जी क्या कुछ निर्देश मिल दिए आप? 31 तारीख को लास्ट डेट है, 31 सितंबर के अक्टूबर 31 सितंबर, अभी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, 31 सितंबर को भारत सरकार ने लास्ट कट ऑफ डेट डाल दिया है कि इतना तारीख तक हर हाल में सबका लिंक करा लें, जो लोग नहीं कराएगा वो लोग का केस पेंडिंग हो जाएगा जी, इसीलिए जल्दी से जल्दी लिंक करा लें, जिनके पास क्यूआर कार्ड नहीं बना है वो आकर हमसे बनवा लें, या आपके लीडर जो कर दे रहा है अगर ठीक है वेरी गुड, नहीं कर रहा है तो हमारे पास आकर जी सर, आपका घर कहाँ है? जी से मिल के बनवा, अरुण कुमार जी से मिल के बनवा, लेकिन कहीं तो बनवा करा जी। हाँ जी जी सर जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं, घर कहाँ है आपका? मेरा घर तो रांची में हुआ, लेकिन अभी मैं देखिए कभी मैं बिहार में रहता हूँ कभी रांची में रहता हूँ, क्योंकि हम लोग भी सरकारी नौकरी, हमारे मेरे परिवार जो है सरकारी जॉब करती है स्वास्थ्य विभाग जी, जी जी दोनों तरफ देख के, लेकिन मेरा घर जो है एकदम रांची में, जहाँ महेंद्र सिंह धोनी जी का घर है वहीं पड़ोसी हैं आप जी जी। हाँ तो अच्छा क्रिकेट खेलेंगे हम लोग, शुभ नाम आपका सर? डॉक्टर आइजक बेस्टर जी सर, ठीक है सर जी, 31 तक देखो लीडर करा देता है तो ठीक है, नहीं कराता है तो बिल्कुल काम में कोई कोताही नहीं बरते, कहीं ना कहीं से करा लें, किसी भी लीडर को पकड़े लेकिन करा लें सर जी। क्या लीडर से ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, लिंकिंग नहीं होगा वेबसाइट पे, जैसे कंप्यूटर चलाते हैं ऑनलाइन जो करते हैं? PHP वगैरह में नहीं होगा आपको, क्योंकि ऑथेंटिकेट किया गया है भारत सरकार के द्वारा, हमारे श्रमिक संघ को लिंक कराने का दायित्व श्रमिक संघ को दिया गया है, और श्रमिक संघ ने किसी CSP को ये अधिकार नहीं दिया है कि कोई लिंक करे, और सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह होगा वो ऑफिस में होगा, और इसीलिए आगे करा दी सर जी। मेरा मंडल तो गोरखपुर पड़ता है जी, जी गोरखपुर तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और देखिए उत्तर प्रदेश में कैंटीन वगैरह खुल गया है, ठीक है सर, कहीं मुझे सुनना आया था कैंटीन खुल गया, टाइल्स बिछ गया, सोचिए तो आपका माल गोदाम में टाइल्स वगैरह बिछ गया है, आज ही के मीटिंग में सर ने बता दिया, कई ऐसे माल गोदाम है जहाँ पर टाइल्स बिछ गया, कैंटीन खुल गया, और शेड भी बन गया, बन रहा है धीरे धीरे, और कुछ सरदार लोग वहाँ पर शिफ्टिंग भी हो गए, सरदार मुंशी वगैरह, ये बड़ी खुशखबरी है, तो इस थोड़ा ध्यान दीजिए सब लोग जी सर। अभी कह रहे हैं कि हम लिंक करा देंगे कि अभी काम ही नहीं शुरू करेंगे गोरखपुर वाले, अब आज भी बात हुई थी, जितना लीडर है सबको एक्टिव करिए, नहीं करता है तो सीधे सर से मिलिए और काम कराइए जी। हाँ जी ठीक है सर जी, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।